मिस्टर मानव देशमुख, मिसेज अर्चना मानव देशमुख, मिस्टर मानव, क्या आप अपनी पत्नी अर्चना मानव देशमुख से तलाक लेना चाहते हैं? जी जैसा। और मिसेज अर्चना मानव देशमुख, क्या आप अपने पति मिस्टर मानव देशमुख से तलाक लेना चाहती हैं? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप अपनी मर्जी से अपने पति से अपना रिश्ता तोड़ना चाहती हैं? जवाब दीजिए। नहीं जज साहब, मैं रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती। मुझे ये तलाक नहीं चाहिए। अर्चना, तो ये क्या कह रही है? प्लीज देखिए, ये कोर्ट कचहरी का मामला है। यहाँ जो कुछ भी कहा सुना जाता है कानून के दायरे में रहकर कहा जाता है, इसलिए बगैर इजाजत कोई भी कुछ ना बोले। हाँ मिसिज अर्चना मानव देशमुख, अभी अभी आपने कहा कि आप अपने पति से तलाक नहीं लेना चाहती, इसका क्या मतलब है? क्या ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, मैं जो भी कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ, मुझे तलाक नहीं चाहिए। देखो अर्चना, जल्दबाजी में और जज्बात में आके फैसला मत करो। उस घर में तुम्हारे साथ क्या हुआ था वो तो याद करो। ये फैसला तुम्हारा सही नहीं है अर्चना, आराम से सोच के जवाब दो। और मैंने कहा ना, मुझे जो सोचना था वो मैंने सोच लिया। मैंने वही फैसला किया जो मेरे लिए सही। मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन जज साहब, मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहता था। मैं डिवोर्स चाहता हूं क्योंकि एक मिनट मिस्टर माना मान, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला है। यहां पति पत्नी में से किसी एक के चाहने से कुछ नहीं होता। ये अदालत तब तक तलाक के फैसले पर मोहर नहीं लगा सकती जब तक पति पत्नी दोनों अपनी मर्जी से राजी ना हो। और यहां तो बिल्कुल अलग मामला है। मिस्टर मानव, आप अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ आपकी पत्नी श्रीमती अर्चना देशमुख आपसे तलाक नहीं चाहती है। ऐसे हालातों में आपको कोर्ट को वो वजह बतानी होगी जिस वजह से आप अपनी पत्नी से तलाक चाहते हैं। बताइए, आपके पास क्या वजह है? क्यों आप अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं?